शाइस्ता। आज की वीडियो है सिंगापुर जू की, जो कि मैंने जनवरी 2020 में विजिट किया था। ये है जू का एंट्रेंस, आप देख सकते हैं। सामने है रेन फॉरेस्ट लुमिना का बैनर, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड की थी रेन फॉरेस्ट लुमिना की वीडियो, आप देख सकते हैं उसको। और ये है शॉप, जू के एंट्रेंस में ही आही साइड में शॉप है, जिसमें बहुत सारे प्लश टॉयज मिलते हैं, सॉफ्ट टॉयज हैं, आप देख सकते हैं लायन, जिराफ, ज़ेब्रा, एवरीथिंग इज देयर। सामने है मैमथ का स्टैचू, जिसमें से एक स्टैचू है और दूसरा है रोबोटिक, आप देख सकते हैं कैसे मूव कर रहा है और ये बहुत ही क्यूट सा है। सामने है कैंगरू, और कैंगरू अपने बच्चों को पाउच में लेकर घूमती है, पर क्या आपको ये पता है कि ये इनके जो लेग्स हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये अपनी हाइट से 3 गुना ऊँचा तक जंप कर सकते हैं। वीडियो के साथ साथ मैं आपको एनिमल्स के फैक्ट्स भी बताती जाऊंगी। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सामने देख सकते हैं और बहुत ही क्यूट से राइनोसेरस को, आपको पता है राइनोसेरस की जो एज स्पैन होता है वो 30 इयर्स से लेकर 50 इयर्स तक होता है। ये अलग अलग राइनोसेरस पर डिपेंड करता है कि वो इंडियन है या फिर वो वाइट राइनोसेरस है या फिर वो ब्लैक राइनोसेरस है, ये उस पर डिपेंड करता है, बट लाइफ स्पैन मोस्टली इनका 30-50 होता है। सामने है हाइनास, ये फीमेल जो होती हैं मेल से ज़्यादा हैवी होती हैं। सामने आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा लियोपर्ड, लियोपर्ड कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 12 से 17 साल तक का होता है। नेक्स्ट है ज़ेब्रा, ज़ेब्रा को तो हम सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है ज़ेब्रा एक ब्लैक एनिमल है जिसके ऊपर वाइट स्ट्रिप्स हैं। सामने आप देख रहे हैं टिमोन एंड पुम्बा वाला, टिमोन यानी कि मी कैट, और ये मोस्टली इंसेक्ट्स खाते हैं, बट ये लिजर्ड, स्नेक्स, स्कॉर्पियो, स्पाइडर भी खाते हैं। और अब हमारे सामने है जू की शान, बहुत ही प्यारी सी और ब्यूटीफुल सी लाइनस। और लाइनस या लायन देखने के लिए हम सब जू जाते हैं, मतलब चाइल्डहुड में भी बहुत शौक है कि जू जाके लायन देखेंगे, तो ये बहुत ही प्यारी सी लाइनस है। लाइनस की जो हाइट होती है वो अप्रॉक्सीमेट 110 सेंटीमीटर होती है और वेट 126 किलोग्राम तक होता है। गाइस, सिंगापुर जू जो है सिंगापुर जूलॉजिकल गार्डन नाम से भी जाना जाता है, पर लोकली लोग इसे मंदाई जू के नाम से बुलाते हैं। ये 28 हेक्टर एरिया में बना हुआ है, इसमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो है 315, और एनुअली जो विजिटर्स आते हैं यहाँ ये अप्रॉक्सीमेट 1.7 मिलियन आते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, हे माय क्यूटी। अभी मैं आई हूँ एक तरह की केव के अंदर, जिसके अंदर स्कल्पचर्स बने हुए हैं बहुत सारे, और आप देख सकते हैं ये मोस्टली वो उनके बने हुए हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जैसे कि जो बहुत तरह के रैट्स होते हैं मिट्टी के अंदर रहते हैं, ये वही बने हुए आप देख सकते हैं। छोटे छोटे इनके मिनीचर स्टैचूज कह सकते हैं बने हुए हैं, कितने क्यूट है ये। गाइस, अभी हम लोग हैं रेप्टाइल सेक्शन में, जिसमें मैंने कुछ ही रेप्टाइल्स को कैप्चर किया है। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आएंगे। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं बटरफ्लाई एवेरी में,
और यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं क्योंकि बटरफ्लाई वेरी है। ओके सो फनी। और यहाँ पर मेरे हाथ पर एक बटरफ्लाई आ जाएगी, टड़ा। और मेरे टड़ा कहने के बाद वो चली गई थी फौरन ही। तो यहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं और इनको टच करना बहुत ज़्यादा मना है, बिल्कुल ही मना है, और बिल्कुल टच नहीं करना है हमें यहाँ से। देखिए यहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ है डू नॉट टच का। अब हम लोग जा रहे हैं पैंडा देखने। तो यहाँ पर पूरे पिक्चर्स लगे हुए हैं पैंडा की, कैसे ग्रो होते हैं या उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कम्प्लीट। और आगे जाकर इसमें इसके अंदर है पैंडा जो कि मेरे ख्याल से बहुत लेजी है। ये है जिया जिया, जिसको हम लोग शायद देखने वाले हैं। टड़ा, लेजी पैंडा जिया जिया। हम लोग जा रहे हैं अमेज़न रिवर क्वेस्ट में जो कि बहुत मज़ेदार था। हम लोग पीछे सीट पर बैठे हैं और आगे एक पूरी फैमिली बैठी हुई है। और आई होप ये वीडियो आप एंजॉय करेंगे गाइस, देखते रहिए। कानपुर में आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।